सेफोलॉजिस्ट जब इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जब वो फिगर्स को देखते हैं, उनके 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 जो सैंपल्स कहते हैं, मैं ये समझना चाहूंगा जरा शिव आपसे, ये जो नहीं कहने वाला है तो मन में, लेकिन वो उजागर नहीं कर रहा है और वो कह रहा है नहीं, तो जब आप जो मार्जिन लेके चलते हैं एरर का, उसको इस हिसाब से, क्योंकि ये कोई बहुत मूर्त रूप से चीजें नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको शामिल करते हैं क्या? नहीं, मार्जिन ऑफ एरर हम कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन एरर आती भी है, लगभग हमारी 1.5% की मार्जिन ऑफ एरर आ जाएगी उसके अंदर, तो उसमें आप ले लीजिए कि ऊपर नीचे 1.5% जा सकते हैं वो, एंड आप देखेंगे कि 1% या 2% से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, 1% या 2% से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सुमेरा, अरविंद जी क्या कहते हैं इसको? और दूसरा, जब वो ये देख रहे हैं कि 2 से शॉर्ट हो रही है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 122 वाली है, इस सिनेरियो को, ओवरऑल सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आखिरकार तो नंबर तब काम के हैं जब उससे सरकार बने। बिल्कुल अरविंद मेनन जी, यही सवाल स्टूडियो से भी पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है, इसको आप पूरे सिनेरियो में कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, और खास तौर पर जब हमने क्षेत्रवार दिखाया, ये इलाका जहां हम मौजूद हैं, जहां कल अमित शाह जी भी आने वाले हैं, आज ममता बनर्जी आई थी बांकुड़ा में रैली की, इस इलाके में बीजेपी का सबसे ज्यादा प्रभाव था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वहां मार्जिन कम दिखाई दे रहा है इस इलाके में, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी के पास थोड़ा एज है, तो बराबर की टक्कर है क्या इस इलाके में? देखो बहन, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक गया हूँ, मैं पिछले 3 वर्षों में लगातार नीचे तक जा करके हर सीट तक मेरा जाना हुआ है, सबसे बातचीत हुई है, गांव में लोगों के साथ मिलता हूँ, सभी तरफ एक ही आवाज़ आती है कि क्या आप वोट करा पाएंगे क्या, एक प्रश्न होता है कि पिछले बहुत से चुनाव यहाँ पे हुए हैं जिसमें लोगों को वोट करने नहीं दिया जाता, इस बार स्पष्ट आप जानिए कि हर लोग स्वतंत्र होकर खुल करके वोट दे पाएंगे, और वोट देंगे तो सब लोगों को वोट सभी लोगों का है कि बदलाव की बाहर आई है, सब लोग चाहते हैं ये सरकार किसी भी तरीके से जाए। सुमेरा, इस बात को बार बार अंडरलाइन किया जा रहा है के मामलों में कि हर किसी को भयमुक्त होकर वोट देने को मिलेगा, मतलब वो जो डोंट नो कांट से के तौर पर अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो उसके हिस्से के वोटर्स हैं जो फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या ऐसा वाकई होने वाला है? इस पर हमारी रामकृपाल जी, ये मुद्दा कितना अहम है वहां के हिसाब से, क्या इतना साइजेबल है कि 122 को 148 के पार करा दे वो? देखिए, मैं ये तो इस फिगर पर मैं नहीं जाता हूं कि क्या होगा, लेकिन ये बात सही है कि देखिए, जो लोग भी हैं जानते हैं बंगाल को, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार रही हो, CPM की रही हो, जो सत्ता में रहता है उसके समर्थक ज़्यादा वोकल होते हैं, और जो उसके जरा सा भी विरोधी होते हैं वो चुप हो सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि क्या स्थिति है, और जैसा कि ये हमारे अभी ये डिस्कशन में बात आई थी, देखिए बहुत सारा एक आज की तारीख में मतदाता बहुत वोट के मामले को अब समझता है कि उसका बड़ा एक सेक्रेट अधिकार है, राइट, बहुत ज्यादा वो ओकल होता नहीं है, चुपचाप रहता है, वो सबको करीब हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, फाइनल क्या किसको वोट देता है ये कई बार वो जाहिर नहीं करता है। तो ये जो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से 8 फेजेज में चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी निश्चित रूप से ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि थोड़ा सा लोगों में भय कम हो और लोग घर से निकल कर। रामकृपाल जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि अमूमन जो सत्तारूढ़ पार्टी का सपोर्टर होता है वो मुखर होकर बोलता है सर्वेज के समय, इसलिए वो जो परसेंटेज है सत्तारूढ़ पार्टी का, उसको उसको उसके आसपास वस्तु स्थिति ज्यादा करीब होती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।